कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशन दुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे सैस 88 उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे सैस 88 उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही कर जोरों विनती करूं डरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाम। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सत गुरु मिले सब दुख आखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात।
आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हरदन समा। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सबूर। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माई, आपे ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाह। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़, जैसे कागज हाज का अब तक न दूजी ठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ और सतगुर सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे, जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिलेंगे। यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में, लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो वो शुभ समय और ये एक पुण्यमय शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं, हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं
जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरण से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने स्वलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी, इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की हैं। इस बात को प्रत्येक समाज मानता है कि कुल का मालिक एक ही है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको प्राप्त करने की विधि, यथार्थ विधि कौन सी है, ये जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु वही होता है जो यथार्थ ज्ञान सदग्रंथों अनुसार बतावे। हमारे जो सदग्रंथ हैं पवित्र चारों वेद, पवित्र श्री मद भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, तो इनमें जो भी लिखा है उन्हीं के आधार से हम प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त की, हमने प्राप्त की। पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इन सदग्रंथों को सत्य मानते हैं और इसी इन्हीं के आधार से जो ऋषिजन गुरुजन ब्राह्मण हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे, गुरु थे, वो ये कहकर प्रचार किया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, पुराण श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हमने उनकी बातों पर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को इसलिए स्वीकार किया कि उन्होंने ये कहा कि ये पुराणों से मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। उसमें हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे। संस्कृत भाषा के जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था जो ब्राह्मण वर्ण है,
और ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति थे वो सदग्रंथों को यानी संस्कृत भाषा को पढ़ते थे, जानते थे, सीखते थे गुरुकुलों में जाकर के, और गुरुकुलों में फिर उनको वेदों, गीता और पुराणों का, गीता तो उसमें नहीं थी, वेदों और पुराणों का जो है ज्ञान दिया जाता था। पुराण भी बाद में लिपिबद्ध हुई हैं, वैसे वेद भी बाद में लिपिबद्ध हुए हैं, लेकिन पहले चारों वेदों को पहले कंठस्थ याद किया जाता था। वो कहीं किसी पुस्तक पर नहीं लिखा, पेपर पर नहीं लिखा हुआ था। इसी प्रकार पुराणों का ज्ञान भी एक दूसरे को सुनाया जाता था, ऋषियों ने उनको कंठस्थ किया हुआ था। और इसी प्रकार गीता जी का ज्ञान जो द्वापर युग में बोला गया, तो उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने इन सभी सदग्रंथों को लिपिबद्ध किया जो आज हमारे सामने हमारे पास उपलब्ध है। तो पहले ऋषिजन इन ग्रंथों को, वेदों को घोट लिया करते थे एज इट इज, जिसको कंठस्थ याद किया करते थे एक दूसरे से सुन सुन के। लेकिन वो इन ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं सके, वो पुराणों को भी ठीक से समझ नहीं सके, जिस कारण से हमें वेदों और गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुनाया गया। उस ज्ञान के आधार से हम आज तक आधारित थे जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, अपने उस मुक्ति धाम से सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, वो मालिक सहशरीर चले जाते हैं। उन परमेश्वर का किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। एक वही परमात्मा है जो कभी किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। बाकी सभी अवतार श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी, ये सभी माँ से उत्पन्न हैं, ये नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे, ये ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग हमें कथा सुनाया करते थे सत्यनारायण की। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्य माने सदा रहने वाला सच्चा, और नारायण माने परमात्मा। नारायण का अर्थ, नार माने जल होता है और आयन माने निवास करने वाला, जल पे निवास करने वाला, इसका अर्थ ये बनाते हैं, ये ऐसा लिखा। लेकिन नारायण का अर्थ होता है कि जिसमें सब प्रलय में आ जाता है, सब जगह जल ही जल होता है, उसमें केवल परमात्मा ही शेष रहता है। वो अविनाशी सत्यनारायण, वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, उसको हम सतपुरुष कहते हैं। सत्यनारायण कहो चाहे सतपुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने भगवान, पुरुष माने भी भगवान यानी परमात्मा। तो ये ब्राह्मण लोग हमें कथा सुनाया करते सत्यनारायण की, श्री विष्णु जी की, और विष्णु जी को ये अविनाशी भगवान यानी सत्यनारायण बताया करते थे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने फिर आकर बताया कि ओरा ज्ञान बताव ही, ओरों पंथ बताव ही, आप ना जाने रा। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं अपने यात्रा में जा रहा है और वो किसी से रास्ता पूछ रहा है, और वो रास्ता बताने वाला स्वयं भी अज्ञानी है, उस अक्षेत्र से अपरिचित है, और फिर वो भी दिशा बता रहा है, रास्ता बता रहा है, उसको भ्रमित कर रहा है, यात्री को गलत दिशा दे रहा है। तो ऐसे ये संत ऋषि थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था और हमें ये मार्गदर्शन किया करते थे भक्ति का, परमात्मा के पाने का। तो परमात्मा ने आकर बताया था कि ये औरों पंथ बतावे ही, आप न जाने रा।
इन अज्ञानियों ने मानव जीवन को बर्बाद करवा दिया बहुत बार बहुत बार। जिसमें परमात्मा आते हैं उसमें हम इतने रंग में रंग दिए जाते हैं उस अज्ञान के अंदर कि हमें ये तत्व ज्ञान भी झूठा लगता है, और वो झूठा ज्ञान व्यर्थ ज्ञान हमें अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसको सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो चुके होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनते आते हैं हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है। तो पुण्यात्माओं काल का यही दाव है कि इस मानव को पहले तो इस प्राणी को मानव शरीर मिले नहीं, इसने 84 लाख प्रकार की योनियां शरीर जीव बना रखे हैं, उसमें जीव धक्के खाता रहे अपने पाप कर्म इकट्ठे कर ले। मानव जीवन जब मिलता है इसको चिंता बन जाती है कि इस समय कोई संत उस पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ पृथ्वी पर आएगा और कहीं इन मनुष्यों को इन प्राणियों को उस सुख में सथल का ज्ञान ना हो जावे और कहीं ये सभी भाग ना जावें, तेरे से निकल ना जावें, फिर तेरा आहार तू खाएगा क्या। पुण्यात्माओं आप बिल्कुल अनजान बालक हो, आप चाहे कोई राष्ट्रपति बना है चाहे प्रधानमंत्री बना है चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति है वो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से ही बना है। उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होने से वो भी काल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। हम इस संसारिक सुख को जो हम देखते हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, कोई कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी है, हम उसको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं, हम उनको बहुत ही प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने हमें आकर बताया कि यहाँ मान लीजिए कोई अरबपति है चाहे कोई खरबपति है और एक अक्षण में उसकी मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है तो क्या है, वो शरीर को तो फूंक दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है और जीव फिर आगे अपने पाप पुण्यों के आधार से अन्य योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में वहाँ कष्ट पे कष्ट उठाता है। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं तुम गलत जगह फंसे पड़े हो, तुम जिस संतान और संपत्ति को अपना मानते हो यह संतान और संपत्ति आपकी नहीं है, यह भूल है आपका, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, जब तेरा शरीर ही नहीं है तू माया को अपनी कैसे मान रहा नादान। फिर इसका समाधान बताते हैं, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो, इन दोनों को भूल जा, ये शरीर भी तेरा नहीं है, संतान संपत्ति भी तेरी नहीं, माया भी तेरी नहीं। इसके लिए फिर समाधान क्या बताते हैं, परमात्मा बताते हैं कि सबसे पहले मानव जीवन को सफल करने के लिए परम संत की खोज करनी चाहिए और मानव जब तत्वदर्शी संत परम संत मिल जाता है फिर उसके बताए अनुसार मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए, सभी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए, गुरु के वचन पर सदा आरूढ़ रहिए यानी गुरु वचन पर चलिए। यदि आपने जीवन अपना मानव जीवन सफल करना है और सतलोक चलना है, उस स्थान पर चलना चाहते हो जहां पर जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये बताया गया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पेड़ जानो, ऊपर ऊपर यानी सतलोक अलखलोक अगमलोक और अनामी लोक,
अकैलोक, जिसको अनामी को अकैलोक भी कहते हैं, ये तो उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ऊपर के जो संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक में जो परमात्मा है वो पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतनारायण कहते हैं, जो अविनाशी परमात्मा है, सतपुरुष भी कहते हैं, वो सतपुरुष यानी अकै पुरुष ने ही अन्य तीन रूप धारण किए हुए हैं। अगम लोक में वो अगम पुरुष, अलख लोक में वो अलख पुरुष, और सतलोक में वो सतपुरुष कहलाता है, सतलोक के अंदर सतपुरुष कहलाता है। तो पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 का ये सारांश है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है, मूल है, वो तो परम परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वो परम संत है, वो सतगुरु है। तो परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के सतलोक से चलकर आते हैं, वो अपना उद्देश्य उनका ज्ञान बताना ही होता है कि अपनी प्यारी आत्माओं को मैं तत्व ज्ञान समझा दूं, ये भ्रमित हैं और ये गलत साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, जिससे इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, यानी शास्त्रों के विपरीत जो साधना की जाती है वो मनमाना आचरण होता है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई कार्य सिद्ध, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। तो परमात्मा इस उद्देश्य से आते हैं कि इन प्यारी आत्माओं को मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं, इनका कल्याण हो और स्वर्ग अपने सतलोक ले जाऊं, स्वर्ग से भी ऊपर जो सतलोक है। इस उद्देश्य से आकर परमात्मा यहां में बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, ये चारों युगों में आते हैं, ये कलयुग के अंदर कबीर नाम से प्रकट होते हैं। जब ये कबीर नाम से प्रकट हुए, सहशरीर आए थे काशी शहर में, एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे, उस कमल के एक कमल के फूल पर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नामक एक दुलाहा अपनी पत्नी के साथ उस तालाब में स्नान करने के लिए गया था प्रतिदिन की तरह, तो वहां से परमात्मा शिशु रूप में उन्हें प्राप्त हुए, उनको लेकर वो अपने घर आए थे, और वो जुलाहे का कार्य करते थे। परमात्मा भी उन मुंह बोले मात पिता के व्यवसाय को आगे करने लगा, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो बनारस में जब जुलाहा रूप में परमात्मा आए, उन्होंने उस समय ये अमृतवाणी अपनी लिपिबद्ध करवाई थी, जो आज हमें उस तत्व ज्ञान का प्रमाण दे रही है कि वो तत्वदर्शी संत भी वही थे, परमात्मा भी वही थे, और एक नेक शिष्य भी वही थे, एक नेक नागरिक भी वही थे। वो परमात्मा हमें उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए एक लीला प्रत्येक युग में करके जाते हैं, और ये हमें समझाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो गड़ी माया का पीछा मत पड़ना, और यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो जाति मजहब के चक्कर में ना पड़ना कि यूं सोचो भी नीच जाति छोटी जाति वाले पार ना होया करें, या गरीब परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, या गृहस्थी परमात्मा नहीं पा सकता। इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला की थी।
शादी भी नहीं कराई थी उन्होंने, उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन दो बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को, पिछले संस्कारवश उनको मुर्दे से, वो माता पिता ने उनको मुर्दा जानकर कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, और एक शेख तकी नामक एक मुसलमान पीर के जद को ठीक करने के लिए और सिकंदर लोदी राजा दिल्ली के बादशाह को शरण में लेने के लिए लीला की थी, इन दोनों बच्चों को जीवित किया था शमशान घाट से निकालकर और एक को दरिया से निकालकर। तो वो दोनों बच्चे उसमें 12-13 वर्ष की आयु का उनका शरीर था जब उनका प्राणांत हुआ था। परमात्मा ने अपनी रजा से उनको पुनः प्राण दिए, उनका जीवन एक्सटेंड किया और अपने पास बच्चे के रूप में रखा। जुलाहे का कार्य करके अपने वृद्ध माता पिता का पेट भरने की लीला की और उन दोनों बच्चों की परवरिश करने की भी लीला मालिक ने की। तो वो ये दिखाना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि कोई ये भ्रमणा पैदा कर रखी थी लोगों ने कि लोग वही साधक पार हुआ करते हैं जो घर त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में घोर तप करते हैं। परमात्मा ने ये जो ना हमारा भ्रम मिटाया था या शंका का निवारण किया था कि परमात्मा पाने के लिए ना तो घना धन की आवश्यकता और ना ही किसी जंगल में जाने की आवश्यकता और न ही ऊंच जाति की आवश्यकता, उच्च वर्ण की भी आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि उच्च वर्ण वाले भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जब परमात्मा आए उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी और छोटी जाति वालों को भक्ति मार्ग में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और न ही उनको पूजा स्थलों पर अलाउड किया जाता था, मंदिरों में भी जाना मना था। तो परमात्मा ने आकर ये बताया था कि परमात्मा मंदिर में है ही नहीं, वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा पाने की विधि आप चाहे मंदिर में बैठकर अपनाओ यथार्थ भक्ति हो, और चाहे अपनी झोपड़ी में, और चाहे काम करते करते कहीं पर भी, परमात्मा के पाने के लिए विवाह कराओ या ना कराओ, ये सभी शंकाएं दूर करने के लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के एक लीला की। प्रत्येक युग में वो ऐसा ही करते हैं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने बताया उस समय आकर के हमें ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, जड़ें प्रोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं। तो जड़ तो समझो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म, जो आप जी के ज्ञान से भी बाहर है और आपके द्वारा किसी समाधि दशा में भी उसको आप नहीं देख सकते। समाधि दशा में ये संतजन ऋषिजन स्वर्ग महास्वर्ग तक देख सकते हैं, लेकिन सतलोक की को वो इस इनके द्वारा साधना से प्राप्त दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था कि जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। ऊपर को जड़ वाला गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-5 का सारांश अनुवाद आप जी को समझाया जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा इनका सहयोग लेंगे। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1।
ऊर्धव मूलम, ऊर्धव मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्हीं के द्वारा किया अनुवाद पहले पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्धव, इसका देखो संस्कृत भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये नागरी लिपि है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, देवनागरी लिपि है। ऊर्धव मूलम, ऊर्धव कार से ऊपर होता है फिर भी ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अधः शाखम, यह इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ऊपर ऊर्धव माने ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका ये लिखना चाहिए था। अधः माने नीचे को शाखा वाले, अधः माने नीचे को। ये देखिएगा इन्होंने इस दो नंबर श्लोक में स्वयं ही 15वें अध्याय के दो नंबर श्लोक का अनुवाद यहां किया है ऊपर को, इसमें अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे दो बार लिखा है, दोनों बार नीचे अर्थ किया है। तो हम यहां स्वयं इन्हीं के अनुवाद को सेट कर सकते हैं, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ब्रह्मा रूप मुख को लिख लें नीचे, इसका सा यहाँ नीचे ये नहीं होना चाहिए, नीचे शाखा वाले, नीचे को शाखा वाले, ऊर्धव माने ऊपर को, ऊर्धव, और अधः माने नीचे को, ऊपर को, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म रूपीता मूल है, जड़ है, और नीचे को इसकी शाखाएं हैं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, आह वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, आह और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित जड़ से लेकर पत्तियां तई, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, फिर देखिए आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले ऊर्ध्व माने ऊपर को और नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर तना क्या है, डार क्या है, पत्ते क्या है, छोटी शाखाएं क्या है, मूल सहित तत्व से जानता है यानी उनका अर्थ भी बताता है, वह स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा ये एक पेड़ है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष जानो। परमात्मा कबीर जी ने बताया है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, ट्री। तो परमेश्वर ने कहा था कि ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्मा बताए, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और जड़ जो है वो परम अक्षर पुरुष।
तो परमात्मा ने अपना भेद बाद में बताया, पहले इस बाहर जो विजिबल आम आदमी जो समझता था उसको समझाने की चेष्टा की है। जो आम आदमी जानता है, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये तना, इसको समझो ये अक्षर पुरुष है। ये देखिएगा, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, और इससे फिर अलग से मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष, सरपुरुष इसको सिद्धि भाषा में सरपुरुष कहते हैं भक्त संतजन, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, ये डार है, ये उसकी एक डार समझो, ये क्षर ब्रह्म तो उसकी एक शाखा है, डार है, और ये तीनों देवा शाखा हो, डार का फिर तीन शाखाएं हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये तीनों शाखाएं हैं, और जड़ जो है ये गुप्त है। अब आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, वही पंद्रहवां अध्याय, गीता जी का पंद्रहवां अध्याय, आपने प्रथम मंत्र पढ़ा, इसको फिर पढ़ाते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, ये ऊपर अर्थ नहीं लिखा इन्होंने, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले जड़ वाले, और अध्य शाखम, अध्य माने नीचे को, शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और उस संसार के वृक्ष के वेद जिसके पत्ते कहे हैं, इनके अनुसार उस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में देखना, श्लोक नंबर दो, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई, ये तीनों गुण रूप विषय परवाला शाखाएं हैं, विषय परवाला शाखाएं, विषय, विषय परवाला यानी विषय रूपी कोपलों की, ये इन्हें लिखा विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रिकादि योनि रूप शाखाएं, यहां इसका सीधा अर्थ बना है, तीनों गुण रूपी विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, जो नीचे और ऊपर, ये देखो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर, इन्हीं के द्वारा, यहां इन्होंने ऊर्ध्व का अर्थ नहीं ठीक किया, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व ये पहले में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को लिखना था, ऊपर, यहां दूसरे में इन्होंने ठीक इसका अनुवाद किया है। हम दूसरा पढ़ रहे हैं श्लोक, अध्य माने नीचे, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम माने ऊपर, सर्वत्र ऊपर को, सर्वत्र नहीं, इसमें सर्वम नहीं लिखा कहीं पर, प्रशता माने फैली हुई, ऊपर और नीचे कौन, ये तीनों गुण रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे मनुष्य लोक फैली हुई में, फैली हुई है मनुष्य लोक में यानी पृथ्वी लोक पर, कर्मा के अनुसार बांधने की भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, हमें कर्मों के बंधन में कर्मानुसार जो कर्म फल देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वे नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है, नीचे और ऊपर व्याप्त हैं, फैली हुई है, बस वहाँ कंट्रोल्ड है ऊपर और नीचे तीन लोक में। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, अब यहाँ कंसेप्ट कर, ये कंसेप्ट करना, क्लियर करना अति अनिवार्य बन जाता है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं,
अब तीनों गुण रूप शाखाएं, ये त्रिगुण तीनों गुण रूप शाखाएं इसमें स्पष्ट लिखा है। तो तीन रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसको स्पष्ट करेगी हमारी श्रीमद देवी भागवत महापुराण, ये देखिएगा। हिंदी टीका सहित, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। अथ देवी भागवतम स भाष्टिकम स मातम, इसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, और इसका अनुवादक कौन है, इसका हम तीसरा स्कंध देखते हैं। ये है अथ श्री देवी भागवते भाषाटी का युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते, ये तीसरा स्कंध यहां से प्रारंभ होता है। इसके 11 नंबर पर ये स्पष्ट होगा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देवी भागवत प्रश्न नंबर 11 और तृतीय स्कंद भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का। अब ये श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे, 8वां ये क्लियर करेगा। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ये प्रधान किया संस्कृत में नहीं है, आगे दिखाएंगे। ब्रह्मा रजोगुण हरि सतोगुण क्यों युक्त क्यों किया है, युक्त किए हैं। यह देखो यहां फिर देखो तो 8वां श्लोक है, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, यदि आप हम पर दयालु हो तो हमें इसे जुल्म में क्यों लगा दिया, हम ऐसे क्यों बना दिए, हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है ब्रह्मा रजोगुण, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों युक्त किया है, युक्त क्यों किए। अपनात्मा अब संस्कृत और देखेंगे हम, यहां देखो 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित चय, कथम विहित चय मैं क्यों बना दिया, विहित मैंने युक्त कर दिया, तमोगुण है तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, और सुहित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने किस प्रकार सतोगुण युक्त कर दिया। अब ये तो संस्कृत सहित श्रीमद देवी भागवत आपने आपके रूबरू हुआ। अब ये केवल हिंदी टीका इसमें देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र बोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक कौन है इसके,
प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद धुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, यहां पर ये देखिएगा, विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बताते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, नित्य माने सदा रहने वाली जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब यहां याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये गीता जी में जब दास आपको दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, तब आपका यू काम आओगा कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे दुर्गा को कहते हैं, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर। आह रजगुण ब्रह्मा इति सिद्धम, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुणात्मा अब ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17 आप आसानी से समझ सकोगे। यही पवित्र सदग्रंथ हमारे घरों में विद्यमान थे, लेकिन ये अज्ञानी अनाड़ी, ये संत ऋषि ब्राह्मण, ये हमारे गुरु जी अपने ही सिलेबस की बुक्स को, अपने ही सिलेबस की, अपने ही पाठ्यक्रम की पुस्तकों को नहीं समझ सके तो विद्यार्थियों को वो क्या पढ़ाएंगे। इसलिए इन्होंने हमें दंत कथा लोकवेद सुना सुना के और मिसगाइड रखा, हमें भ्रमित रखा, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि हमारे पूर्वज शास्त्र विदिता के मनमानी पूजाएं करके उनका जीवन व्यर्थ हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार, और फिर वो भूत बन गए, कोई पत्थर बन गया, किधर धक्के खाते अंडे, कोई पशु बना, कोई पक्षी बन गया, फिर ये नकली ब्राह्मण गुरु और ये मंडलेश्वर ऋषि महर्षि नकली, फिर ये श्राद्ध निकलवाने लाए गए, अपने पेट भरने के धंधे को ही इन्होंने मुख्य महत्व दिया और हमें परमात्मा से कोसों दूर रखा। अब वो समय आ गया है कि हम खुद संभलेंगे, हम सदग्रंथों को रूबरू करेंगे होंगे। अपने प्यारे सदग्रंथ आज भी वही कथा बता रहे हैं जिसको हम सत मानते थे, तो उनमें लिखा क्या है उसको हम स्वयं आंखों देख करके जानेंगे, अपने मार्ग को, अपनी दिशा को फिर हम ठीक कर लेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। अब इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी को हम पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि ऊपर को जड़, ऊपर को तो परम आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष
आदि पुरुष यानी सबसे पहले वाला भगवान, सबका आदि, सबका प्रथम प्रभु परमेश्वर कहो उसे, आदि पुरुष परमेश्वर, तो वो जड़ है, वो मूल है जो सतलोक ऊपर सतलोक में रहता है। और केवल गीता में इतना ही बताया, तीनों गुण रूपी शाखा है, अध है नीचे को, नीचे को शाखा है, बस बीच का कुछ उसने जिक्र नहीं किया। अब फिर ये भी प्रमाण दे दिया कि इस पूरे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को जो बतावेगा तत्व से, उसका उसका तत्व यानी इसमें तो सिर्फ टहनी जड़ तना आज ही बताया है। और वो फिर बताओगा तना किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं, अक्षर शाखा किसे कहते हैं, और डार किसे कहते हैं, पत्ते क्या है। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की जो प्रत्येक युग में आते हैं, और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं कि वो पूर्ण परमेश्वर जो ऊपर सतलोक में रहता है, मुक्ति धाम में रहता है, वो वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि तत्व ज्ञान प्रचार करूं, यथार्थ ज्ञान इन्हें बताऊं, फिर ये सब अन्य आत्माओं को बताएं। तो वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है और नीचे अपना यथार्थ ज्ञान बताता है। तो उसमें उसको संत कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होता है परमात्मा, क्योंकि वो अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बोलता है, चौपाइयों के माध्यम से बोलता है, वो पद्य भाग में बोलता है, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, 96, मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक ये क्लियर किया है कि वो परमात्मा कबीर है। वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से लोकोक्तियों, अपने कबीर वाणी का मैं लोकोक्तियों के माध्यम से, आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।